मुकम्मल वाच करना है उधरों थले सब्सक्राइब का बटन आना लाल करा तो उन्होंने दबा के चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। पहले तो घर के कुछ काम ने गे मैं देख लगे आ गए क्योंकि काफी दिन हो गए ने घर के काम जो पेंडिंग ने गे काफी वेरी मेरी वीडियो वगैरह देखे होना थले कुछ मेरे बहन भाई कदी कदी कमेंट करते होंगे ने कि हसन तुसी ना अपने घर की जी फ्रंट साइड है इनू साफ सुथरा करो तो इनका जेना ना अज कोई ना कोई इंतजाम करने आगे। तो माशाला जी आयशा ने जेना वैसे घर की साफ सफाई करके जेना सैटिंग सारी करती हुई हैगी मैं हम बाहर चलना आ गया मैं घर की फ्रंट साइड की जी साफ सफाई करके सैटिंग करना। अबू जान की आई थोड़ी तबीयत खराब है इन्होंने बुखार से इन्होंने जेना अपनी दुकान बाहर नहीं क्ढ़ी हैगी तो कल सच मैं सैकेंड टाइम का विलाग नहीं बना पाया सो क्योंकि थोड़ी दिन दसिया से ना परेशानी जी हैगी फिर पैकेज वगैरह लगवाया तो एक विलाग ही बड़ी मुश्किल ना अपलोड जरा ना होया है बाकी चलने बाहर बाहर चल के तुम दिखाना ना तरतीब वाइज सारी चीज़ा जिस तरह आप करनिया ने गिया जी अपने घर की फ्रंट साइड तो बाकी इनकी जी सैटिंग वगैरह करके सारी जगह जी लेवल किसी तरीके ना करिए क्योंकि हम यह जगह उच्ची हैगी है नीवी आ गई सारी जी उच्ची नीवी जी जगह हैगी इनकी सैटिंग वगैरह करने आगे पहले मिट्टी वगैरह इतने पानी हैगी तो मिट्टी पाने वास्ते चाहिए हैगी अपन रेहड़ी वैसे रेहड़ी एक पई तो हैगी जी सी ना अबू जान दुकान तो समझ लिया तो साड़ी अपनी जाति सी ना तुम जे चाचू जाद और रेहड़ी है ना वह पई हैगी दादा जान और वो जाके लियानी पैनी तो उस तो बाद फिर ना इतों सामने वाली जमीन जी मिट्टी चक के इतने सीटने पहले जी पुराई पूरी करा उस तो बाद जिन्होंने इतने यह रोड़ी हैगी अगर हो सकया तो अज ही कुटनी मैं शुरू कर देवगा ज्यादा तो ज्यादा मैं दो दिन लग जावे सारी रोड़ी जी कुट के इन्हें खिलार देवे ये खिलारण ना भी काफ़ी जो फर्क बन जाना लेवल हो जाएगी जगह तो रोड़ी जो खिल रही हुई फिर इंशाल्लाह ताला जिम्मे गुंजाइश बनती गई सीमेंट वगैरह लैके ना तो जी जगह सारी आहिस्ता आहिस्ता पक्की करा मेरी कोशिश पहले होगी इतनी जगह जी ना पहले पक्की करिए तकरीबन तीन चार बोरिया इतने लगनियाँ तो ये जो पक्की होगी ना इतना फिर फट्टे वगैरह जो अंदर पै ने गए वह सारे इतने बाहर रख के उन्होंने थलों बच्च जो फरश इतने बनवाया ना संगल बच्च फरश के पवा लवेंगे फरश के बच्चे ना वो संगल फिट कर देवे जी आप जंजीर जन कहने आगे उन्हें यह है कि फटिया थलों ना संगल पा के इतें रख देवे चोरी वगैरह नहीं होगे फटे अच्छा डेली अंदर बाहर रखने पैदे ने इन्हों जी टेंशन नहीं होगी करनी हाँ पक्की सैटिंग हो जाएगी सारी इन्होंने आप एवं लवावे इन्होंने उत्ते कुंडे बने हुए हैं इस जगह से आ देखो इन्होंने इतों ना संगल ला के उ बाहर ही रखा रमजान शरीफ मेरी कोशिश है मुकम्मल लियावांगे दुकान का किराने का सौदा भी सारा लियावांगे ते कोशिश मेरी ते भी है भी नाल आपा कपड़े भी लाया मांगे जिहड़ा ना सेल करन वास्ते कि ईद आ रही है नाले गर्मियां दा मौसम अम्मी जान ए तो सोचण वाली गल बस आपा बैठ के सोची जाइए करिया आपा अगली दुकान ते सामान पाइए ना अपने हालात थोड़े देख रहे ने के क्योंकि मेरी वाली तो मेन जा फोकस है ना अबू जान दा लेन देन क्लियर करन ते हैगा लेकिन जिवें ही हो जाणा उस तों बाद सारियां जिहड़ियां ए ख्वाहिशां ने गियां घर दे कोई काम ने गए पूरियां होवणगे इंशाल्लाह क्योंकि अल्लाह पाक दा शुक्र है साडी सैलरी भी अच्छी होवण लग गई आहिस्ता आहिस्ता आपा लैण देना बच्चां दे लाउण पीस गर्मियां दे छोटे छोटे इत्थे बड़ा सेल आवणगे क्योंकि तू भाई लैके आउंदे ने ते बड़े सेल आउंदे ने इत्थे ज्यादा अपने कोल भी आवणगे नाल मेरी ये कोशिश है भी सूट आपा लैण देना ते इक इक सूट दे विच दो दो तीन तीन सौ रुपये बचे ना माशाल्लाह अपना घर दा गुजारा बड़ा अच्छा खासा आउंदा रहणा ओह ते एवें ही है ए मेरी कोशिश है भी थोड़े थोड़े भी विच पैसे हर चीज दे बचे ना अपने हालात हो मद्देनजर रखे जाए तो दिल करता है इसे महीने सारी चीजा रखी के दुकान जो कारोबार थोड़ा सैट हो जाए लेकिन अगे फिर लेन देन जिन्होंने खारा किया होंगे ना पैसे देने सैलरी मेरे खर्ची जाती घर के खर्चे वास्ते पैसे नहीं मैं रख पाना आ गया चलो कोई नहीं अम्मी जान अल्लाह पाक करम करेगा
अचानक नालू पैसे बहर कड़ के लाए उदो कुछ मजबूरी भी सी पैकेज मेरा खत्म हो गया कहते पैकेज चलो लग जाए गल वगैरा माशाल्लाह कल काफी सेल हो गए नहीं अम्मी जान रेहड़ी आया फिर अपनी गल्लां लग गए रेहड़ी जिहड़ी ने साडी अपनी जाती हैगी आली थले आला चक्का ये खराब हैगा बाकी रेहड़ी जिहड़ी बिलकुल ठीक हैगी उत्तों जे अगर देखी जाए चाचू याद हो रहा रेहड़ी तो उनका जिहड़ा ना चक्का ठीक हैगा बाकी रेहड़ी सारी खराब है इंज करना आ गया मैं जाके दादा जानवर लैना रेहड़ी तो जो उनका चक्का है इन ला दें आगे एक साबत रेहड़ी बन जाएगी पूरी फैमिली जिन्हें जरूरत हो रेहड़ी है इस्तेमाल करते रहेंगे कोई नहीं मसला चो दो तीन साल इन्हें नहीं गुजर ही जाएंगे जिम्मे उन्हें ना गुजर गए नहीं अम्मी जान उन्होंने उतना सारा खराब हो टुटिया पे आ देखो बिलकुल हाली तक नवा है अगू जरा ना फ्रंट साइड चिबी नहीं हुई सारी टुट गई हुई उनदिया पत्रियां भी आ गिर गई हुई नहीं चलो लैंना मैं जाना दादा जान और लू तो लिया के फिर इंशाला तला ना इन्हें जो फिट करने चक्का से कामयाब करिए रेहड़ी फिर इन्हें मिट्टी जी सट के तो जगह लेवल करनी है हाली तक ठीक है जी हूँ फिर चलना आगे दादा जान और अगे तो चाचू जहाज और आए थे पता नहीं घर भी गए ने गए कि नहीं गए ने चाचू जहाज और जाते हुए ना पता ही की जावगा वह ना आवे कि वह इधर फिर दे तो मैं उन्हें गर्व होकर आया खड़ा हाँ दादा जान और मैं आ गया बाकी रेहड़ी जी है दादा जान और गुंज के रखी हुई है चक के लै जाने दादा जान रेहड़ी मैं रिपेयर कर लगे हाँ जी साडे वाली ना रेहड़ी देखी होनी बिलकुल ठीक है जी उतली है छत जी ते इंदी छत उतली खराब हैगी टायर इंदा सही है इंदा टायर उन्हें पाने छत वाली सही हाँ ये जी समल रेहड़ी खराब हो जाएगी एक ठीक हो जाएगा उनका जो टायर मसला हैगा इंदा टायर बिलकुल ठीक हैगा इन कोई मसला नहीं हैगा इंदा पिछला चक्का थोड़ा फिसिया हुआ लेकिन ठीक हो जाएगा लेकिन पेंचर वगैरह होने का खतरा इंदा इतना ज्यादा नहीं जितना होंदा हैगा लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रेहड़ी जी ने एक VIP बन जाएगी अज इन्हें काम ही तुम करके दिखावे कढ़ना आ गया तो लै चलना तो रेहड़ी जी बाहर कढ़ ली हैगी बाकी दादा जान मैं दस रहे थे कल भी कि दो दिन इन्होंने बहुत ज्यादा परेशानी बनी रही पूरे घर का जो पानी है ना इनकी निकासी जी बंद हो गई थी जी पाइप लाइन है ना असल तो वह उतन तक हैगी इतों फिर इन्होंने सादा पाइप ले जाना पे तो उत्थे जाके उनके अगे इन्होंने शिफ्ट किया है इतों किधरों बंद हो गया सी सारे घर का पानी वगैरह जो जाना तो फिर बड़ी इन्होंने परेशानी बनी हैगी इतों को टोटा वगैरह आ जाए ना खराब सी पट के नवा उन्होंने ना इतने पाया तो हूँ ठीक हो गया है असल तो उन्होंने ना इंज इतें भी बिच पैप पाना सी लेकिन इतने ना उन्होंने पैप नहीं पाया एको अगे हैगा पैप लाइन का वो खड्डा जहा तो बाकी इस दरम्यान जो दो तीन घर बनने ने ना इन्हों बड़ी मुश्किल बनेगी इन्होंने पैप पाने पैने ने बाकी परली साइड तो तोड़ तक उन्होंने ना अगो पैप जो टप उन्होंने इतने थलों टपाया होगा परलिया घर जे इतने हम घर बने ना उन्होंने कोई परेशानी नहीं बनेगी पानी की बाकी माशाल्लाह दादा जान और छोटा जिहा गार्डन बनाया सी तो उन्होंने किसी नज़र लग गई है असल तो इन्हें तुम खिड़े फूल रखे ने नज़र तो लगनी सी माशाल्लाह प्यारे ही बहुत ने गए तो वो ना पटना पे है चलो कोई ना दोबारा जेड़ ना मिट्टी वगैरह एको जी करके ना तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इतने कोई ना कोई चीज़ इन उग जाएगी बूटी वगैरह भी थले उवें हैगी पर पानी आता ना सारा नलके वाला पानी अलग है तो बाकी है वाशरूम का पानी वो अलग जाता है वह पैप जाता है उधर ना नलके वाला पानी हों फिर आके इन्ना गार्डन लगता रहता है पौधे वगैरह जेड़ ने इन्हों तो यह सूरजमुखी जी माशाल्लाह अनकरीब भी ना सनफ्लावर जेड़ खिलणगे तो बहुत प्यारे लगनगे इंशाल्लाह ताला दा खावांगा वैसे बीज मैं भी लै जावांगा गड्डांगा घर बाकी ठीक है दादी जान फिर मैं इंशाल्लाह ताला आवांगा मैं हूँ लै जाना रेहड़ी जाके हाली काम बहुत करना है इन्हू किसी तरीके हूँ पिछे भी रखना है जिम्मे फिर खिजी ना पिछे मोटरसाइकिल रख के तेन काबू करके लै जाना है।
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਬੜੇ ਵੀਆਈਪੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਵਨ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਸੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪੜ ਜਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ वापस घर जी मैं आ गया बाकी लै चलने रेहड़ी जी अंदर टायर वगैरह है चेंज करने एक रेहड़ी वी आई पी बना के उस बाद लग जाने जो बुराई पूरी करनी है चलो जी बाकी ठीक है हूँ फिर ना जरा चक्का जो ला दें असल तो इन्हें मेन जी वजह हैगी टायर फट गया होगा रेहड़ी तो बड़ी वी आई पी हाँ आ रेमी थलो ना आ देखो आबू जान ज्यादा नहीं वजह बनती पेंचर हो देखो ना जगह में चुभदी सी थले ट्यूब दे फट जाती है ट्यूब बाकी चाचू जान रेहड़ी दी ना असल तो आ छत जी उतली हली पी है सारी हल्दी रेहड़ी वैसे भी कमजोर जी हुई पी जी ना ए सारिया चीजा जो ठीक ने गिया बाकी इन टायर की कमजोरी हैगी चाचू जान और रेहड़ी का कट के इन ला लें तो काम में लिया ही रखा यही है कि सारे घर च इस्तेमाल होनी है जिन्होंने जरूरत हुई उधर फिर लैके करे तो इनकी जी ना होर कोई नहीं वजह हैगी इन मुठा ठीक ने गिया तो थोड़ी डीगिया ने मैं उन्हें ही ठीक कर लवागा ये मैं आप ही कीतिया सी जो मेरे कमी जान धक्का नहीं लगता आंदा आ गया तो बाकी ठीक है टायर जी इन्हें खोल के चेंज करने इधर ला दें तो उनके उत्ते ला दें बाकी फाइनली एक टायर जो खोल लिया है क्योंकि लगा लिया बहुत ज्यादा है खुले ही बड़ा औखा है इन्हें तो पानी छिटिया से मैं कहते ना लगाल जी है थोड़ी जी तो पानी लगन ना हट जाती है लेवल ही वेख ला सीधा पुट्ठा सीधा जो घूम रहा इनका रिम मेरा ख्याल डींगा विचो ना रिम पहले मसला है डींगे पहले तो मसला है बाकी है ठीक हो गया जी मेरी आप घर तैयार कर दा लेंबर की नहीं तैयार हो गई बाकी माशाल्लाह रेडी बड़ी भी है बन के पूजा हौली हौली लाग रही है की हां हां सन्नी ने जी रूम से लाई जा भाई रेहड़ी है भी है बड़ी इनके जेना ज्यादा मिट्टी पाई जाए इस तरह तकरीबन उनके नो दो गुना कर दिया हां वो टूटी हुई सी हुन ले चलना चल के ना मिट्टी उसे पूरी करना बाकी ठीक हो गया बाकी ये वाला रिम बैगा ये फिर ना ऐसे रेहड़ी के बच्चे ला दें ला के रखी हो जरा ना असनैन और ने किधरे सेट देना ला के तो रेहड़ी ने इतने करके रख दें इतों अगे हैली चक्की हैगी टायर कसन तो मैं काफ़ी टाइम लग जाना एवं ही रखती है बाद कस लवेंगे तो उन जाना है बाहर चल के ना मिट्टी वगैरह पार के लैन हाल तक कई का कोई इंतजाम नहीं है पड़ोसियों को लैनी है वो भी जाना लैके तो उस तो बाद ही मिट्टी सिलनी है पहले चल के उन्होंने मंगने हाँ देखो नूरी होना आई है कि स्कूलों तो आते हैं जेना आपू जान आई बैठी है कि चीज़ वास्ते पैसे लवन अम्मी जान पहले कह रही इन्हें भी लावन लगी हुई है तेरे अम्मू भी कहनी अबू 10 रुपए दे चलो
बिलकुल चढ़ जाएगी इथो रेड़ी बटानी बटानी रेड़ी आ जा हाँ रेड़ी तो चंगी है जो बटा लवे निके रेड़ी बटानी औखी चढ़ी ज्यादा तो नहीं बरी ठीक है हम फिर उस जगह जो पुराई पूरी करने आगे तो करके इंशाल्लाह ताला उस तो बाद ही दंद खाने क्योंकि जगह जगह तू मिट्टी चकनी हैगी ज़्यादा जहाँ तेरे क्लिप बना के शेयर नहीं कर सकता बाकी भी रूटीन तेरे ने शेयर करनी है ठीक है मिट्टी की पुराई देने तो बाद इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। फाइनली जी इस जगह की पुराई जी मैं पूरी कर ली हैगी काफ़ी मिट्टी मैंने सुटनी भी भाई साहब थकिया खड़ा आ गया एक बार बैग बस आ कड़े 10 मिनट उस तो बाद फिर मैं लग गया सुगे तो माशाल्लाह हूँ तो जगह जी सारी मिट्टी ना भरती है जी चंगे वे वे ढेर ला गए तकरीबन एक ट्राली जितनी मिट्टी इतने मैं सीटी तो इधरों भी काफ़ी मिट्टी चकी गई बिचों भी अलग अलग जगह चकी जिते उची आएगी तो यह सैड सारी जी नालू कट के मैं चक ली हुई जी जो एक्सट्रा नाल सी असी जी मिट्टी स्टबंध होंगे सी ना वो मिट्टी इतने फिर पई पई जी जम जाती होंगी है जी क्योंकि अगर पुराई पैगी जमीन जमीन की सेहत वो आ रही हैगी हाँ जी है एक्सट्रा नाल और पेगा टोटा चलो कोई ना बाकी दो मिनट सह कट के उस बाद इनू एक जहा करने आ गया सर सारी तो मैं जो कई चला रहा सी ना मैनू खजाना मिले है अबू जान और अगर मैं सोच पाता है तुम पहले सोच लो की चीज़ हैगी भाई साहब मैनू ना मेहनत का फल मिले है एक रुपये वाला ना ठीपा मिले है पता नहीं कदों का प्यो है वैसे तो हूँ भी चलता एक रुपया यह पुराने नहीं है ना नवे ठीपा है लेकिन रलिया पे उंज मैं गागना बहुत ज्यादा मिलियन मैं क्या स्नैन दी तो उन्हें खेलना है मैं उम्मीद फिर बेच सीटी पुराई दे मैं क्या थले आ जा बन गया चलो ठीक है बाकी कुछ टाइम सह कहना है उधरों आयशा जी अज बना रही है जी मेरे वास्ते स्पैशल चाय बन रही है जितनी इज्जत हो रही कम किया है ना काम ही माशाल्लाह काफी की सर तेरे बुआ कह गए भी जेड़ा ना असन वास्ते चाय बनाओ भी जेड़ा ने थक्या खाए पी लेना ते तो जिस में दर्द होनी है सी तन्नू पता ओ तू ए दो पाज गर्मियां वाकु है जी पसीना लत्ता खड़ा है आज तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही उधर ना हम नहीं जान जेड़ियां ने जदों बाहर काम ते लगे ना नानू ले आएगा मैं हूं ना लवांगा जो काम बार ला खत्म कर लेना उस बार ना के फिर रोटी वगैरह अगर कुटनी हो तो कुटा ऐसा जवा है कोई ने ना लेनी मोर जेड़ा ना नावा ना सर्दी दे वेच फिर गई तबीयत ये तबीयत दाडी खराब हो जांदी है क्यों ही ना हुन भी ना के मुते ना खा आ बूटा दी की हालत हो गई इना दो देना गो असल ते मिट्टी पैंदी रही ना कट्टा बहुत ज्यादा सी है अज तो छाले ही बन रहे हैं कई चला चला के ना तीन बनते बने जगह भी चिल्ली खड़ी है दूसरे हाथ नहीं सेम एवं ही है देखो छाले तो उपर रहे एम जान कोई बनन के कोई नहीं बनते छाले हाँ ऐसे तरह कभी कभी काम बड़े दिन बाद मैं कई हाथ लाया है ना अगे जो ए जगह आती सी ना साड़ी सारी कच्ची तो इतने फिर कोई कोई चीज़ गड्डी रखता सीगा ऐसे वजह तू कि चलो कई वाला बंदा जेना चलांदा रहे तो हाथ ही पक्के हो जाते हैं ये कहते होंगे ने क्योंकि जमींदार होंगे ने कई हमेशा चलाते रहने अगर उन्होंने कोई काम होवे ना तो जमीन खाली चले जाते कई मार के
ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਨਰਮ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨਾ ਹੱਥ, ਹੁਣ ਦਰਾ ਦੋਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਰ ਆ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਇਸ਼ਾ ਚਾਹ ਹੀ ਪਕਾਈ ਖੜੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹਾਂ ਧੋਤਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼। ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਚਾਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਧੇ ਛਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦਰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਬਖੀਰ ਹੈ ਨਮੀ ਜਾਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਨੂਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਮਝਿਆ ਲਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੋਰ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਏ ਥਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮੀ ਜਾਣੇ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਚਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਬਹਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਉਤਨੇ ਅੰਡੇ ਲੈ ਲੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੱਬੂ ਜਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੋਏ ਕਰਨਗੇ, ਸੁਬਹਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਰੋੜੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਡੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸਲੇਟ ਤੇ ਬਾਅਦ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਆ ਸਲੇਟ ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਉਹ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਰੈਂਪ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਟੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ, ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਕੀਕਤ ਦਿਲ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਦੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਬਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा रैंप बन गया, जबरदस्त वाह जनाब जनाब हसन बेटा जबरदस्त बन गया, हां इधर बराबर हो गया, मैं कहने लेवल तो बड़ा ही प्यारा हो गया काम माशाल्लाह, सारी जगह ये लेवल हो गई। हां चल हम थक गए, चल तन पानी शानी पिलाइए, पहले चाय पिलाई हूं तन चाय नहीं पिलानी, ये चाय ना तो इतना काम करया माशाल्लाह साफ सुथरा, देखो लेवल बिल्कुल उन दरवाजे दे ना बिल्कुल बराबर हो गया जी, देखो दरवाजे दे और नलके दे बिल्कुल बराबर हो गया, क्या बात है। पहली जी मेहनत में बहुत ज्यादा की है, उत्ते कोई कचरा वगैरह पिया सी वो भी सारा जेनो तो चक के सफाई करती, तो माशाल्लाह लेवल बड़ा वीआईपी हो गया हैगा, तुसी यार रैंप चेक करो कैसा बनाया हैगा, बड़ी मेहनत लगी हैगी बनावा, तो बाकी ये लेवल है ना आया हाया जबरदस्त हो गया, इंज लग रहा है किसी घरा ने लेवल किया है बुझा, हालांकि कई का काम होया है, हाँ मेहनत तो फिर लगी हैगी, तकरीबन अद्धा घंटा लग गया मैंने लेवल करते करते, तो माशाल्लाह बड़ी वीआईपी जगह हो गई हैगी, बस अबू जाना इन्हें तो रोड़ी पैनी हैगी, रोड़ी पवेगी फर्श लग जाना है सुकून ना होने, यह तो टेंशन खत्म हो, इतना थोड़ी गहरी जगह से उत्थे मिट्टी सड़ती हैगी, बाकी है जी निवान जी है सारी बराबर की हैगी माशाल्लाह, हूँ बड़ा लेवल हो गया वीआईपी, बाकी हम जिस तरह सफाई वाला काम हो गया ना इन्हें तो हूं ही फॉरन पानी छिड़क लीए कि जम जाएगी ऐसे जगह तो मिट्टी से फिर ना, शाम टाइम छिड़क देवांगे, शाम टाइम आपको जानकारी छिड़क के नौके कर देवांगे, ज्यादा छिड़कांगे ताकि बिल्कुल जम जाए, हां अच्छी तरह छिड़क देवांगे फिर उठे चलना किसे नहीं, हां ओके हो गया फिर, बाकी मैं थक के रेडी जी बह गया सू गया, तो हूँ फिर रेडी भी अंदर लै चलने आ गए, तो मैं भी अंदर चलना है आपे, फिर ना शाम टाइम इतने पानी जरा छिड़क लवेंगे, बाकी जगह ना वी आई पी हो गई है, तुम कमेंट करके दसना हूँ जगह प्यारी लग रही है पहले प्यारी लग रही थी, लै चलिए रेडी अंदर, तो बाकी हूँ फिर ना मैं वाल भी कटवाने ने जो वेखना है, मैं तो कहना पहले एक वाल कटवाए ना, वैसे कम तो और भी सगा रोड़ी जी कुट के तो खिला लेना, लेकिन ये सुबह करांगा क्योंकि अज मैं जो काम किया नहीं कि यह समझ लो पूरे दिन का काम सेगा, तो आवाल जोड़े ने तो व्डे व्डे ने गए थोड़े बरीक छोटे छोटे कराने ने गए, तो यह चल के पहले ना कटवा लेना आ गए लै चलने अंदर भाई साहब, तो रेडी जी घर लिया के रोकती है कि बाकी ठीक है हूँ फिर मैं चलना आगे चल के नवाल कटवा ना, बहुत गंदे लगते हैं सुबह में उठना आना तो किमें अजीब जो फिर ने सीवन नहीं ठीक तरह निकलती है, ठीक है अम्मी जान बस हूँ आना आगे जैन कटा इन्ना, बस सूरज जो भी गरूब होने लग गया है दिन नवन लगे, आयशा जी शाम टाइम का खाना पकावन लगी, तो इन्हों के काम जो शुरू, नूर तू ना खेलिया कर तेन मैं किन्नी वेरी मना किया, बहर मिट्टी बवो ही ना सरैन चल कपड़े की हालत वेख तेन किन्नी वेरी मैं समझाया, अच्छ तेन मारना भी मैं ला दे, मैं एक ला दे आओ चक डब्बा चल अंदर कर, मैं इत बाहर ना पे देखा ठीक है ना, मैं वापस मैं हूं अंदर खेलो अंदर खेलो इतने बाहर नहीं खेलना, बाकी माशाल्लाह बैंसा अपना जी चारा खा रही नहीं है, डर ही है कि अगले दिन मैं दस रहा साढ़े पिंड का नंबरदार है ना उन्होंने
ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਮਾਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਦੂਸਰੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਟਵਾ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਟਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੜੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵਾਲ ਕੋ ਸ਼ੋਲੇ ਹੀ ਕਰਾਵਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 50% ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੈਲ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਜੇ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਸਟਰੇਟ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਟਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੈਲ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜੈਲ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਟਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਵੇਂਗਾ ਟਿੱਕ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੀਵਨ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਵਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਕਣੇ ਨੇਗੇ ਹੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਕੜ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਣਾ ਘਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਟਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਸ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲੱਗ ਗਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਲਬ ਜਲ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੇਫ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਛੁਪੂ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਆਹ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਚਲੋ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਦੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫੁੱਲ ਲੁੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਟ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਝ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗਿਫਟਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਂਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਟ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਪਾਈ ਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ
आज देख लो जी मेरे कपड़े की फुल लुक। कुछ मेरे बहन भाई कहते होंगे ना सन जो तू नहा नू के कपड़े वगैरह चेंज करें या वैसे कोई नवे कपड़े पावे ना तो तू अपनी फुल लुक दिखाई कर। मैं असल तो पेंडू बंदे आ गए सानू यही चीज़ का पता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदत जी पै ही जाएगी इंशाला। बाकी माशाल्लाह अम्मी जान जी रोटियां पका रही, पहले सालन पका रही सी मूंगी मसरां दी दाल खा ले पहले आई है। कल्ली मसरां दी सी कि मूंगी दी सी? कल्ली मसरां दी, मूंगी मसरां दी बाद कह ली मैं रोटी खा ले पहले। मसरां दी पई सी तो कल्ली पकाई है, मैं कहा चले मसरां दी पई सी कि साडे को और भी कुछ बची पिया। मैं चल के दंद खाना आ गया, डब्बे च पई सी अम्मी जान मैं क्या अज यही पकाओ, ये कहंदियां सी अज कोई सब्जी ले आने। हां हां तकरीबन डब्बे जितनी पई हैगी हाली तक, हाँ पाई हैगी दो बारी ना और भी पक जानी घर च अगर पकई जे तो आंदियां कुछ चीज़ा जड़ियाँ ना हाली तक पईयां जिवें अगले दिन तुहानूं दस रहा सीगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अन करीब ही ना जिवें भी हैगा थोड़ा बहुता करके थोड़ा थोड़ा करके जिवें अम्मी जान आपां पहले अपना कारोबार बदल सी इसे तरह ही आपां नूं थोड़ा समान इन्हें लैं। हाँ हाँ 10,000 होया 10,000 देकर ही पा लवेंगे फिर इंशाल्लाह ताला जिवें सैलरी आई सैलरी चों 5,000 रुपया औखा सौखा कढ के वह भी जो उनका समान पा लवें इस तरह ना रूटीन जी इंशाल्लाह ताला सीधी हो जाए। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ठीक है विराग जिहड़ा है ना काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया होना और तुहानूं वेखण ही फिर तुसीं बोर आउण लग जांदे हो कहिंदे इन्ना लंबा विराग हैगा वैसे मज़ेदार तो हुंदा और मैनूं ही पता हैगा। ठीक है अपना यहाँ विराग इत्थे खत्म करना, तुहानूं अच्छा लगे लाजमी अपने चैनल सबसक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, दोस्तों रिश्तेदार शेयर भी कर लेना। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलने हैं जी फिर कल वाले विराग।